हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वीणा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को गरबा स्पेशल मेकअप बताने जा रही हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह मेकअप की क्लास मेरी फर्स्ट क्लास होने वाली यूट्यूब चैनल पर। अभी तक मैंने किसी भी तरीके का मेकअप यूट्यूब चैनल पर शेयर नहीं किया है। तो काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि आप गरबा स्पेशल मेकअप बता दीजिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बता रही हूँ। और एक और बात आप लोगों को मैं आज बता दूँ कि कंपलसरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वही आप करें। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी, ऐसा बताऊँगी कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। और ब्रांड भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही करें, आपके पास जो भी अवेलेबल है वह आप लगा सकते हैं। बस मेन काम है प्रॉपर मेकअप करना कि आपके हाथ कैसे काम कर रहे हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले तो CTMP करना होता है, तो क्लींजिंग मैंने कर ली है। फेस वॉश भी कर सकते हैं, क्लींजिंग ज़रूरी नहीं है कि आप किसी क्लींजिंग वाटर से या क्लींजिंग मिल्क से ही क्लींजिंग करें। तो मैंने फेस वॉश किया है। अब उसके बाद मैं आपको टोनर दिखाने जा रही हूँ। तो मैं टोनर अप्लाई करूँगी, और टोनर जो भी इसका है ये देखिए। और टोनर भी आप स्किप कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। ऑयली स्किन है अगर आपकी तो फिर आप लगाएं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। तो टोनर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको लगानी है। तो देखिए मैं किस तरह से अप्लाई करती हूँ। और आप लोगों को याद रखना है कि सभी चीज़ें आपको नेक तक कवर करनी है ना, नेक भी आपको कवर करना है, ईयर्स भी कवर करनी है। ओके, देखिए टोनर अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है। अब हम कोई भी मॉइस्चराइजर ले लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल वह ले सकते हैं। मैं बायोटिक का यूज करती हूँ। मॉइस्चराइजर को ऑब्जर्व हो जाएगा। हाँ, मॉइस्चराइजर लगा चुके हैं। अब हम प्राइमर लगाएंगे। देखिए मैं जो भी ब्रांड का प्राइमर यूज कर रही हूँ, यह मैट प्राइमर है। अब हम लोग प्राइमर के बाद कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो मैं आप लोगों को एचडी प्रो का कंसीलर बता रही हूँ। देखिए मैं आप लोगों को एचडी प्रो का कंसीलर बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा है कंसीलर, आप सभी जगह अप्लाई करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये पैलेट दिखा रही हूँ। ये हाफ एंड हाफ का कंसीलर पैलेट है। तो इसमें जो ऑरेंज कलर होता है, देखिए ये है, ये हमारे अगर हमें डार्क सर्कल है, मेरे को तो नहीं है वैसे, बट मैं फिर भी दिखा देती हूँ। ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डार्क सर्कल पर। देन अगर थोड़ा बहुत कहीं डार्क स्पॉट्स हैं तो है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे हम कर दबा दूँगी। ज़्यादा नहीं लगाएंगे काफी। इसमें अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर्स होते हैं कंसीलर में, तो आप लोग अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं या सिंगल कंसीलर ले सकते हैं।
तो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लॉक करूंगी, है ना, कंसीलर को। देखिए ये हमारा डैप होना चाहिए वाटर में ब्यूटी ब्लेंडर, तभी ये अच्छे से काम करेगा। देखिए वाटर इसमें से निकलना चाहिए थोड़ा। देखिए अब इसको हम प्रॉपर ब्लेंड करेंगे। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। ओके, तो मैं आप लोगों को मियोन का फाउंडेशन बता रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा कवरेज है इसका, और इसके बाद मैं एक और बताऊंगी हाई कवरेज फाउंडेशन है, वो भी दिखाऊंगी। तो देखिए बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना है ना, काफ़ी कम लगाना है, इसलिए मैं ब्रश से नहीं बता रही हूँ। हो चुका है, अब हम कॉम्पैक्ट अप्लाई करेंगे। ओके, देखिए मैं द फैशन फैक्ट्री का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, और यह लूज पाउडर फॉर्म में ही आता है। देखिए इसको इस तरह से डैप करना। आइस करा जाते हैं, आई शेडो करेंगे। ओके, तो ये मैंने नए ब्रांड का आई शेडो कर लिया है, ओपन करूँगी। देन आपकी ड्रेस का जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग आप उस कलर में कॉपर मिक्स करके आप आई शेडो बनाएंगे। देखिए तो मैं आज आपको कॉपर एंड लाइट पिंक बता रही हूँ। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपकी कट क्रीज दिख रही है यहाँ से इतना बस अंदर ही अंदर आपको लगाना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ओके, और कॉपर ही लेके आप लोगों को नियॉन का लाइनर बता दी। तो लाइनर आप लोगों को अपनी आईज के अकॉर्डिंग लगाना है, कुछ लोग विंग्स वाला पसंद करते हैं, कुछ लोग विदाउट विंग्स का पसंद करते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे। ओके, देखिए हमारा लाइनर लग चुका है, अब मैं आप लोगों को आईब्रोज बताऊंगी। ओके, तो आईब्रोज आप लोगों को ब्राउन पेंसिल से करनी है ना, ब्राउन आईब्रो पेंसिल आती है उससे, ब्लैक से नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक से अच्छी नहीं दिखती है, बहुत ही ज़्यादा हाई दिखती है, बहुत ही लगा है जैसे। तो मैं तो पाउडर वाला बता रही हूँ, ग्लैम 21 का है मेरे पास, लेकिन आप लोगों को नॉर्मल पेंसिल ही यूज करनी है, क्योंकि पाउडर वाला शायद आप लोग प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो मैं देखिए ग्राम ले रही हूँ, देखिए हल्का सा ही लगाऊंगी और फिर उसी को मर्ज कर दूंगी। देखिए नेचुरल लग रही है, सेट हो गई। ओके तो अब मैं बताऊंगी काजल लगाना। लग चुका है, अब हम लगाएंगे ब्लश। ओके तो ब्लश के लिए मैं टिंट का यूज करूंगी। ओके नियॉन का टिंट है, तो इसको मैं तो हल्का करने के लिए हम फिर से कॉम्पैक्ट का हल्का सा यूज करेंगे। ओके ये देखिए अब हम लोग हाईलाइट करेंगे, शाइन करना है फेस को। तो मस्करा मैं लगा रही हूँ हिलारी हुड्डा का। ओके याद रहे मस्करा लगा कर आईज क्लोज ना करें। लगाएंगे लिपस्टिक, तो लिपस्टिक में नियॉन की लगा रही हूँ, तो मैं लिप लाइनर यूज नहीं कर रही हूँ। पहले मेकअप फिक्सर बता देती हूँ, उसके बाद बिंदी लगाना बताऊंगी। ओके तो मैं मेकअप फिक्सर नियॉन का यूज कर रही हूँ, और याद रहे मेकअप फिक्सर सबसे लास्ट में लगाना है, और इसके बाद हमारा मेकअप बिल्कुल नहीं निकलेगा जब तक हम निकालेंगे। आईज क्लोज, इसके